आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं भाई आपको ग्वालियर के सबसे फेमस बाबू के पुलाव छोले, जो खिलाते हैं भाई बटर डाल के, और किस टाइप के इनके पुलाव होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और भाई ये इतने फेमस हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं इनके पुलाव खाने के लिए। बाबू भैया राम राम। राम राम साहब। तो नाम पूछने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आपका नाम तो सभी को पता है। तो क्या खिला रहे हो आप? पुलाव छोले। छोले पुलाव, मक्खन। ये नया कंसेप्ट है यहाँ पे, मैंने तो पूरे ग्वालियर में देख लिया और जगह भी देख लिया, तो ऐसा छोले पुलाव जो आप खिला रहे हो शायद कहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलता है ना, आइटम ही नहीं मिलेगा। टेस्ट तो बात की बात है, कैसा होता है दिखाएंगे जरा एक बार। ये कैसा पुलाव है? अच्छा, नमक मसाले डालते हैं और साथ में क्या होता है? मसाले हैं, छोले हैं। ये छोले, अरे तो आपने तो अमूल वाली बटर की टिक्की इसमें डाल रखी है डुबो डुबो के, दिखा जरा। गर्म करने के लिए। गर्म करने के लिए क्या? छोले गर्म करने के लिए? अच्छा, बटर गर्म करने के लिए। ये बटर गर्म क्यों करते हो आप? पिघल जाता है ना उसमें। अच्छा, पिघलाने के लिए। तो ये छोले पुलाव भी बटर डाल के बनाते हो आप? हाँ। तो कितना टाइम हो गया बाबू भैया आपको? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। ये सबसे पहले क्या? पुलाव। पुलाव, छोले। और ये छोले, नींबू। ये नींबू, बटर का तड़का लगा दो। अच्छा, ये बटर का लग गया तड़का। तड़का क्या रेट होता है बाबू भैया? 30 रुपए। अच्छा, बटर का 10 रुपए लगता है, वैसे 20 रुपए ना। हाँ, तो बाबू भैया एक चीज बताओ, ये आपके जो छोले हैं तो छोले में क्या लहसुन प्याज वगैरह भी डालते हो? सब डालते हैं। सब चीज डालते हो? सब। और टाइमिंग वगैरह क्या होती है आपकी? 10 से 2। 10 से 2 सारा माल खत्म हो जाता है? और कोई छुट्टी वगैरह? छुट्टी नहीं होती। अगर बाबू भैया के छोले का अगर स्वाद लेना है तो इनसे पूछिए, पर डे 5 प्लेट खाती है। पर डे 5 प्लेट? पर डे 5 प्लेट। तो घर में नहीं बनता इनके? घर में मिलता है पर कभी कभी भाभी देती नहीं है तो बिथ बटर के खाते हैं यहाँ पे। तो आप कितनी खाते हो इनकी? तो बता रहे हो, 2 प्लेट में पेट भर जाता है। 3 इसने खाई है, 5 इसने खाई है, 2 मैंने खाई है। अच्छा, 10 प्लेट खिलाया मैंने, पैसे मुझे देने हैं। अच्छा, बिथ बटर के टेस्ट बहुत है, आप भी टेस्ट कीजिए। मैं कह रहा हूँ, हम जहाँ मान के चलो 10 किलोमीटर से आते हैं बाबू भैया छोले चावल खाने, पर डे जब तक इनके छोले निकाले हैं जब तक मजा ही नहीं आता। तो भाई हमारी भी लगने जा रही है एक छोले की प्लेट। ये देखो भैया, 210 का ट्रांजेक्शन है। तो हम पिछली बार आए थे तब तो नहीं था आपके पास बटर वाला? और ये देखिए भाई, इन्होंने ये बटर डाल दिया पिघला के। और ये आ गया नमकीन, और ये हो गई रेडी। सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, इनके छोले पुलाव यार इतने फेमस है पूरे मुरार क्षेत्र में। और जिन लोगों को बताया कि भाई इनके छोले पुलाव काफी अच्छे है, वो बाहर से भी आते हैं, मतलब दूर से भी आते हैं। तो टेस्ट करते हैं इनका ये छोले पुलाव, काफी तीखा टेस्ट बनाया है इन्होंने। बाकी इसमें जो नमकीन वगैरह डाला है, बटर डाला, उसका इतना अच्छा बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। अगर आपको भी खाने हैं तो आप आ सकते हैं ग्वालियर में, मुरार क्षेत्र है, वहाँ पर ही अग्रसेन चौराहे के पास हॉकर्स जोन है, वहाँ पे बाबू भैया का सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्टॉल लगता है। और इस वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।